चलो पहले इस क्वेश्चन को, ये शेयर हो रहा है बेटा आप लोगों के साथ, ये जो स्क्रीन मैंने अब शेयर की है आपके पास, यस मैम। इसमें ये सारा कुछ इस तरह, कल हमने ये, फिर मैंने स्लाइड ना बंद नहीं की थी, मैंने कहा था कि हम ये पहले क्वेश्चन, क्योंकि कल मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई थी ये क्वेश्चन करवा के, मुझे लगा था ये जल्दी जल्दी में हो गया, हमें नहीं जल्दी करनी चाहिए, कोई बात नहीं ओके। तो मैं इसको रेज कर देती हूँ और मैं यहाँ से, ये मेथड हमने कर लिया था, यहाँ तक हमारा काम हो चुका था आई थिंक, ये वाला काम, ये जो फार्मूला ये याद रख लीजिएगा, नहीं तो मैंने ये छोटा सा मेथड है ना इसीलिए डाला है कि चीजें हमें पता है, हमें फॉरवर्ड डिफरेंस कैलकुलेट करना आता है, लाइक उसकी जनरल फॉर्म हमें पता है। तो आप देखें स्टार्ट इसका ना ये बिल्कुल फॉरवर्ड डिफरेंस से हुआ है, ये हमने क्या किया है, हमने सिंपली फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म बनाई है कि ये होती है, जो कि हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ी थी, और हमने कहा था ना कि बाद में बहुत ज्यादा यूज होगी, तो वंस फॉर ऑल इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो फिर जी बच्चे, मैम थोड़ा सा जूम कर देंगी? ओके ओके मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने अभी किया भी है, ये इतना फिर ज्यादा खराब नहीं हो जाएगा अब, ठीक है, मैंने वैसे अभी यस कर किया है बच्चे, ये देता था। ओके जी ये मैंने कर दिया अब, ठीक है। वो अभी शो तो नहीं हो रहा, वैसे ही का वैसे ही है। हाँ 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 ठीक, हमें तो वैसे ही लग रहा है। अच्छा एक बात मुझे बताएं, आपके सामने मेथड और फॉर्मूला वाली स्लाइड शो हो रही है या कोई और? नहीं, मैम ये क्वेश्चन यूज लिखा न्यूटन हुआ है, डिफरेंस हाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, नहीं, ये मैम वो मेथड, फुल स्क्रीन कर देना राइट साइड। हाँ हाँ रुको 1 मिनट भैया, 1 मिनट, ये मैं अपनी तरफ से जिसको जूम कर रही हूँ और आपके कहने पे बहुत ज्यादा जूम कर लिया, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं असल में इसका कह रही थी, मैं ये बोर्ड साफ नहीं करते ये काम कर रही थी अभी, तो मैंने इसको ऑलरेडी जूम, वो दूसरे वाली स्लाइड में पता है वो जूम नहीं हुई है, उसको मैंने करना था, इसको मैं 2 दफा कर चुकी हूँ। अब आपके पास शेयर हो रही है, प्लीज मुझे बताएं पहले, जी मैम अब मुझे बताओ ये वाला व्यू ठीक है या इसको अगर हम इतना रख लें तो ये ठीक है, मैम ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है ये वाला ठीक है, पता है क्यों, जी। इससे मुझे साइड पे जगह मिल जाती है, मैं थोड़ा लिख सकती हूँ ठीक इसलिए, है हाँ ये ठीक है ओके। ये मैं जरा अपना बोर्ड साफ कर लूँ, ये कल जो हमने किया था ना काम बस वही है, और मैंने वो स्लाइड बंद नहीं की थी अपने पास कि यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा मैं आपसे क्या क्या रही थी, मैं कह रही थी ये जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला जैसे आपने एवेल्युएट किया, तो देखिए ये डिफरेंस हमें पता है, ये हम फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे एवेल्युएट करते हैं, FR+1 - FR, और इसी से ये फार्मूला जो है वो डिराइव हुआ है। तो मतलब इतना अगर आपको याद नहीं होती चीजें मुश्किल होता है, मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनसे जिनको याद रट्टा मारना मुश्किल होता है, उनके लिए तो कोई जरूरत नहीं है रट्टा मारने की, आप 3-4 स्टेप्स हैं आप इसको अवेल्युएट भी कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने ये किया था, सेकंड में हमने शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया है किस पे, FR+1 पे, और हमें पता है कि शिफ्ट ऑपरेटर जो है वो किसी भी फंक्शन पे आप अप्लाई करें तो उसकी एक पॉइंट उसको इंक्रीज कर देता है, जैसे अगर F0 पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसको F1 बना देगा, तो अगर FR पे अप्लाई कर रहे हैं तो FR+1 हो जाएगा, तो ये FR+1 था, इस पे हमने शिफ्ट ऑपरेटर अप्लाई किया तो ये बना, फिर E-1 आया, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा और शिफ्ट ऑपरेटर के दरमियान रिलेशनशिप क्या मौजूद है, कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज इक्वल टू E-1, ये इसके इक्वल होता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो बेशक अपने पास साइड पे लिख लें कि अगर आप डिफरेंस इक्वेशन जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटर्स, तो ये आपके पास क्या है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का रिलेशनशिप है बिटवीन फॉरवर्ड एंड शिफ्ट ऑपरेटर, उन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप आपके पास इस तरह से। तो यहाँ से हमने ये रिलेशनशिप ड्रॉ किया, ई की वैल्यू हमने निकाली और इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, लाइक ई क्या हो जाएगा आपके पास 1+ डेल्टा, तो जब आपने 1+ डेल्टा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, और यहाँ पे भी आप देखें वही पुरानी बात है जो हमने चैप्टर 2 में, अगर आप उस चैप्टर 2 की समरी बेटा निकाल लें तो आप लोगों ने गिनी चुनी जो सीखी हैं बातें वो 3 से 4 बातें हैं टोटल जो वहां पे हमने की हैं, लाइक फाइनाइट डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, उसके अंदर एंट्रीज को
आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किसी एंट्री को मार्क करना हो कैसे करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस ऑपरेटर, चाहे वो आपके पास फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है या सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है. बस ये काम किया. और फिर हमने बेसिक कुछ डेफिनेशन, ये शिफ्ट ऑपरेटर की दो, अगर आप शिफ्ट ऑपरेटर की हेडिंग देखेंगे लिखा करें साथ जरूर, यूं लेक्चर लेने से ज़्यादा बेहतर है जो अपने पास लिखा हुआ हो. तो उसमें फ़ायदा ये होगा आपको कि आप देखेंगे कि सिर्फ दो लाइनें, मैंने दो या तीन चीज़ें बताई होंगी शिफ्ट ऑपरेटर की, वो इसीलिए बताई थी कि आगे यूज़ होगी. अच्छा जनाब, तो ये हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन थी. इसमें जब आपने ये रिलेशनशिप अप्लाई किया जो कि आपके पास है 1 प्लस डेल्टा, ये फॉर्म बनी, इसको हमने एक्सपेंशन की इसकी 1 प्लस डेल्टा होल पावर पी की. तो ये आपके पास फार्मूला है जिसे हम कहते हैं ग्रेगोरी न्यूटन फार्मूला, या फिर हम इसे कहते हैं न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला. अब ऑब्जेक्टिव क्या था फिर सुन लें, कि ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आपके पास फंक्शन मौजूद नहीं है, आपको नहीं पता कि ये जो डाटा आपके सामने टेबल के अंदर मौजूद है एक्स और वाई की वैल्यूज जो मौजूद हैं ये किस फंक्शन से ली गई हैं. लाइक एक्स तो हमें पता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन किस फंक्शन में पुट करके हमने वो वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट की हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं खुद से by means of interpolation. यानी मैं अगर आपको within data set कोई point दे देती हूँ, जैसे कल हमने कहा था कि मैं आपसे 1 से 100 तक आपके पास data set मौजूद है 1, 2, 3, 4 मतलब equal spacing के साथ 1, 1 की, और मैं आपसे कहती हूँ कि इसके दरमियान में 1.5 मुझे कैलकुलेट करके बता दें, 2.6 मुझे कैलकुलेट करके बता दें, जो कि टेबल में मौजूद नहीं है लेकिन उस डाटा के अंदर मौजूद है, उसका पॉइंट जरूर है. तो आप क्या करते हैं, आप उसके लिए एक पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट करते हैं किस तरह से, बाय मीन्स ऑफ इंटरपोलेशन. उसमें हम क्या करते थे, हमने पहला मेथड किया था कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस जो इंटरपोलेशन फार्मूला है वो हम यूज करेंगे. कहाँ अप्लाई हो रहा होता है ज्यादातर, अगर आपके पास गिवन डाटा सेट है उसके इनिशियल शुरू के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, मिड में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, फिर शिफ्ट करते हैं हम अपने ओरिजिन को, वो भी मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगी कि शिफ्ट ओरिजिन के साथ हम किस तरह से इसको लेके चलते हैं. तो ये टोटल हमारे पास कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू इंटरपोलेशन. अच्छा, ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला, इसको हमने लिख लिया, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा कि ये, अच्छा एक और बात मैंने ये लिखी थी कि ये एप्लीकेबल कब होता है, जब आपके पास पी, पी आपके पास क्या है, ये जो टर्म है एक्स पी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच. एक्स पी वो पॉइंट है बेटा जिस पे आपने इसको इंटरपोलेट करना है. मसलन मैं आपसे कहती हूँ कि 1 से लेके 10 तक डाटा पॉइंट्स दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे इंटरपोलेशन करके दें आप 1.1 पे, 2.2 पे, ठीक है. तो एक्स पी फिर मेरा क्या होगा, वो पॉइंट जिसको आप इंटरपोलेट करने जा रहे हैं, जिसपे आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं. एक्स नॉट आपके पास गिवन पॉइंट होगा, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट आप कह लें, ये मौजूद होगा आपके डाटा सेट के अंदर, स्टार्टिंग पॉइंट होगा, उसको हम एक्स नॉट कहेंगे. इन केस ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस, इन केस ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस, यही एक्स नॉट कौन सा बन जाएगा, आखिरी पॉइंट बिल्कुल, क्योंकि हम बैकवर्ड के केस में क्या कह रहे हैं कि हम इंटरपोलेशन टेक्निक ही है, लेकिन फॉरवर्ड अगर तब अप्लाई होता है जब आपके पास डाटा के स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए, और बैकवर्ड के लिए हमने क्या कहा था, वो एंड पॉइंट्स पे अप्लाई होता है. तो फिर इन दैट केस आपका एक्स नॉट एंड पॉइंट बन जाएगा. एच आपके पास क्या है, स्टेप साइज. हमारे केस में हम जो अभी डाटा कंसिडर कर रहे हैं या हम जो मेथड अभी पढ़ रहे हैं वो इक्वल स्पेसिंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो एच हमारे पास एक इक्वल स्पेसिंग स्टेप साइज आप कह लें वो होता है. तो ये आपके पास होगा. जब आप इसमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, अगर तो ये पी की वैल्यू दैट इज पी, अगर ये पी जो है वो आपके पास 0 और 1 की रेंज में आता है, तो तब आप इस पे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करेंगे. अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप अपने डाटा का जो ओरिजिन है वो शिफ्ट करते हैं, लाइक एक्स नॉट को शिफ्ट करते हैं. जैसे आपने लिया ना डाटा का स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मैं 1 से 100 की बात करूं तो 1 से 20 तक सारे स्टार्टिंग पॉइंट है, या 1 डिपेंड करता है ना मेरे डाटा का साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंगली मेरे स्टार्टिंग पॉइंट कौन से होंगे, दरमियान वाले कौन से होंगे, एंड वाले कौन से होंगे. तो मसलन 1 से 100 तक के डाटा में मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट 1 से 20 ले रही हूं. अब 1 से 20 सारे ही स्टार्टिंग पॉइंट हैं, बट डिपेंड्स कि मैं उसमें जब वैल्यू पुट करती हूँ, मसलन 1 पुट करती हूँ, 1 पुट करने से मेरी ये जो पी की रेंज है ये एक्सीड कर जाती है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 1 से 2 पे चली जाऊंगी, 3 पे चली जाऊंगी, 4 पे चली जाऊंगी, मैं अपने ओरिजिन को शिफ्ट करूंगी और मैं देखूंगी कि ये जो मेरे पास रेंज है ये विद इन दिस डाटा, विद इन दिस इंटरवल 0 से 1 तक आनी चाहिए. तो ये कंडीशन होती है जो हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए चेक करते हैं हमेशा, कि ये रेंज हमारे पास इसके लिए होनी चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट में मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कंप्यूट करें डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ द डाटा पॉइंट्स. आपको मजे की बात बताती हूँ,
अक्सर आप देखिएगा मैं जब टेबल कंस्ट्रक्ट करती हूँ ना, और क्योंकि जो ये बुक है ना आपकी, जो टेक्स्ट बुक आपको दी गई है करने के लिए, इसमें बहुत मिस्टेक्स हैं। मतलब शुरू शुरू में मुझे था कि मैं हाईलाइट कर दूँ, फिर मैंने कहा चलो इट्स ओके। इसके अंदर काफ़ी टाइपोज हैं, लाइक लिखने में, स्टेप्स में, लाइक काफ़ी ज़्यादा इसको ना एरर्स फ्री होना चाहिए, इसको ज़रूरत है। लेकिन अब हुआ तो मैं, अब कोशिश ये होती है कि टेबल खुद से बनाने शुरू करूँ। अब क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैंने बहुत अरसे से न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाया, या न्यूमेरिकल के लिए स्टूडेंट्स के बाद तो इस तरह से कैलकुलेटर मैंने यूज ही नहीं किया हुआ। तो अब आप ये देख लें, मेरे एक सिंपल 3-4 वैल्यूज के टेबल में आप कटिंग चेक करें, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस नहीं है, मैं अंदाजन उंगलियों पर ही ना हिसाब किताब कर लिया या कैलकुलेटर पे किया, तो भी गड़बड़ हो रही है, और ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है। आज की क्लास में भी, इवन जो लेक्चर आज वाला है, वो मैं जान के नहीं कटिंग कर रही हूँ। मतलब नीटनेस आपको चाहिए होती है लेक्चर में, बट नहीं आई होती, बिकॉज मेरी कैलकुलेटर के साथ प्रैक्टिस नहीं है। तो आप देखें कितनी मिस्टेक्स होती हैं, और एक दफा आपका फाइनाइट डिफरेंस टेबल गलत हो गया, एंट्री गलत होगी, तो ऑब्वियसली जो आपने आगे काम किया वो भी गलत हो जाता है। बार बार न्यूमेरिकल का आप कोई भी लेक्चर बेटा उठा के देख लें, एक चीज जो रिपीटेडली कही जाती है वो ये कि इसको प्रैक्टिस की जरूरत है, इसके क्वेश्चन किया करें, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व किया करें, तो अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। बहरहाल, कंप्यूट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट पॉइंट्स। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल सिंपली कंस्ट्रक्ट करना है, ये काम हम पिछले चैप्टर में कई दफा कर चुके हैं, फाइनाइट डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करने का, तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हम कर लेंगे। पॉइंट्स क्या है हमारे पास, एक्स और एफ ऑफ एक्स आई। लाइक हमें फंक्शन का नहीं पता कि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, हमें सिर्फ उसकी वैल्यूज का पता है कि उसमें आप 0 पुट करें तो आंसर 0 आएगा, 0.25 पुट करेंगे तो 0.2763 आंसर आएगा, 0.50 पुट करेंगे तो 0.5205 आएगा, एंड सो ऑन। फंक्शन नहीं पता। अब इनके दरमियान में से मैं आपको कोई पॉइंट दे देती हूँ और मैं कहती हूँ 0.3 ले लें, 0.6 ले लें। अब वो यहाँ टेबल के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन 0 से 1 के दरमियान में जरूर मौजूद है, और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बताएं, तो आप क्या करेंगे, आप न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज करते हुए, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो मतलब मैं 0 और 1 के दरमियान में आपसे कोई पॉइंट पूछ, 0 और 1 पूरी रेंज है, 0 और 0.25 के दरमियान में आपसे कोई पॉइंट पूछ लेती हूँ, 0.1 या 0.15 पूछ लेती हूँ। अब वो स्टार्टिंग का पॉइंट है, तो आप देखेंगे कि इंटरपोलेशन टेक्निक मुझे लगानी है, लेकिन ये जो पॉइंट है वो मेरे डेटा सेट में से टीचर ने कहाँ से दिया है, शुरू से दिया है, दरमियान में से दिया है, एंड से। लाइक पेपर में ये बात मेंशन नहीं होती, आपसे सिंपली कहा जाता है इंटरपोलेशन टेक्निक यूज करें और हमें ये आंसर, रिक्वायर्ड आंसर दे दें। तो आपने खुद ये जज करना होता है कि इस पे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो इंटरपोलेशन फार्मूला लगेगा, बैकवर्ड लगेगा या सेंट्रल लगेगा, ये डिसाइड आपने करना है। और इसी डिसीजन पे अगर आपने वंस एंड पॉइंट के लिए फार्मूला गलत लगा दिया, तो बस गया, भले वो ठीक हो, मैं नहीं उसको कंसिडर करूंगी, क्योंकि आपको बताया गया है कि ये 3 फॉर्मूले आपने किस किस तरह से लगाने हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एवेल्यूएट करते हैं, 0.2763 माइनस 0, ये दोनों का डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस टेबल मेरे ख्याल में आपकी क्लास में सबको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए। इन दोनों का बेटा आपके पास क्या है, डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है, इनका डिफरेंस ये आपके पास आ रहा है, इसका डिफरेंस आपके पास ये आ रहा है। सिमिलरली सेकेंड डिफरेंस फार्मूला लगाया, फिर थर्ड लगाया, और फिर फोर्थ आपके पास आ गया। अब हमारे पास क्या है, ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट हो चुका, तो अब मतलब पहला काम हो गया। नेक्स्ट पार्ट इसका ये था, वो आपके पास दिया हुआ है कि यूज न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। मैं सबको अरेंज कर देती हूँ कि हम नए सिरे से इसको देखें और फिर आगे चले। क्या कहा है आपसे कि यूज करें, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है यूज करें, वैसे मैंने क्या कहना था इसे, यूज इंटरपोलेशन फॉर एनी जो इसके लिए सूटेबल लफ्ज लिखा जाता है, यूज सूटेबल, एक मिनट, डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फार्मूला या इंटरपोलेशन फार्मूला टू पास अ फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल। आपसे कहा गया है कि एक फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल आपने कंस्ट्रक्ट करना है, किसके लिए, इस डेटा के लिए। ओहो, ये लिखी नहीं रहा, किसके लिए हमने फोर्थ डिग्री एक पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना। अब फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल पहले आप अपने पास सोच लें कि आपके पास है क्या। मसलन मैं कहती हूँ एफ ऑफ एक्स मेरे पास है फोर्थ डिग्री पोलिनोमियल, वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा ए एक्स प्लस
बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स फोर। आपसे कहा है कि इस डेटा के लिए आप क्या करें, एक फोर्थ डिग्री पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट करें जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब जो पॉइंट, ये जो पॉलीनोमियल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे ये एग्जैक्ट नहीं होगा, ये क्योंकि आप न्यूमेरिकल टेक्निक यूज कर रहे हैं, आप अप्रोक्सीमेटेड मतलब अप्रोक्सीमेशन में है, तो आप एक अप्रोक्सीमेटली आप यूँ कह सकते हैं कि आप एक अप्रोक्सीमेटली इस टाइप का एक फोर्थ डिग्री पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है। और वो क्या करेगा, वो इस जो ऊपर डाटा पॉइंट आपको दिए गए हैं हम कहेंगे कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मसलन उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा, आपका फार्मूला, मैं दोबारा जाती हूँ फार्मूले के ऊपर ताकि हम डिफाइन कर लेंगे हमें क्या चीजें पता है इस फार्मूले के अंदर और क्या चीजें नहीं पता। मसलन मुझे बताइए कि एफ नॉट हमें पता है या नहीं पता, हम कौन सा पॉइंट होगा एफ नॉट, लिख लो ना फंक्शन एट एक्स नॉट। यस फंक्शन एट एक्स नॉट, और ये हमारे पास कहाँ से मिलेगा बेटा ये भी मुझे बताएं। एक्स नॉट की वैल्यू पुट करिए। यस एक्स नॉट की वैल्यू पुट करेंगे फाइनाइट डिफरेंस टेबल के अंदर। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो मेरे पास ये वैल्यू होगी, है ना, ये होगी कौन सी एफ नॉट, सही हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे कौन सा कहा गया, नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहा गया है कि पी, अब पी के लिए हमें फार्मूला मालूम है वो हम अवेलुएट करके देख लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास डेल्टा एफ नॉट यानी फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस, तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे ये डिफरेंस ऑपरेटर यूज होते हैं टू रेफर एनी एंट्री इन द फाइनाइट डिफरेंस टेबल। तो देखो डेल्टा एफ नॉट को हम रेफर कर रहे हैं, दोबारा हम जाएंगे अपने टेबल पे और हम देखेंगे ये वैल्यू हमारे पास डेल्टा एफ नॉट को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें टेबल का पता होगा, समझ होगी तो ही हम डिफाइन कर सकते हैं ना कि ये हमारे पास डेल्टा एफ नॉट है। पी हम इस फॉर्मूले से इवैल्यूएट कर लेंगे, वो भी कर लेते हैं। अच्छा जनाब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पी इंटू पी माइनस वन हो जाएगा, डेल्टा स्क्वेयर एफ नॉट आएगा फिर आपके पास डेल्टा स्क्वेयर एफ नॉट के लिए, इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। तो ये रहा आपके पास, अंडरलाइन बेशक कर ले डेल्टा, अपना टेबल कंस्ट्रक्ट करें जो वैल्यू आपने फार्मूले में यूज करनी है उनको अंडरलाइन कर ले कि ये वैल्यू यूज करनी है। फिर हमारे पास होगा डेल्टा क्यूब एफ नॉट एंड देन वी हैव डेल्टा फोर एफ नॉट, बेशक नीट करके ये टेबल अपने पास मतलब बना ले, मेरी ये जो मिस्टेक्स है इनको प्लीज इग्नोर कर दे। एफ नॉट ये देखें ये हमारे पास एंट्रीज है, इनको यूज करते हुए फोर्थ डिग्री ही बनना था, अगर वो कहता ना थर्ड डिग्री बनाएं तो बस फिर हम यहाँ तक जाते, अगर सेकंड डिग्री तो बस यहाँ तक जाते। तो हम क्या करते हैं, हमें पी अभी तक नहीं पता, बाकी अपने फॉर्मूले में चीजें पता है। पी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स पी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, एक्स पी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एच। एक्स पी उसने दिया हुआ है पॉइंट, यानी जो पॉइंट इंटरपोलेट करना है ये वो वाला पॉइंट है, यानी इस पॉइंट पे आपने वैल्यू मुझे बतानी है क्या है, 0.125 पे मुझे बतानी है कि वैल्यू क्या है। सो माय एक्स पी इज 0. ये फिर क्या होगा आपके पास एक्स पी, इसे हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास है एक्स पी। अब देखें 0.125, अगर मैं टेबल को देखूं 0.125 मेरे पास कहाँ पे आएगा, इस यहाँ पे कहीं होगा, इधर कहीं मौजूद होगा, ऐसा ही है ना। तो फॉर्मूला फिर कौन सा लगना चाहिए, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सो हम आ जाएंगे यहाँ पे, ये वैल्यू पुट की, एक्स नॉट मेरे पास क्या था, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट मेरे पास क्या होगा ये 0 गिवन है, और एच क्या है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, 0.25 में से 0 निकालें 0.25 आएगा, 0.50 में से 0.1, दो को चेक कर लिया करें कि इक्वली स्पेसिंग है भी या नहीं, क्योंकि जब आप अनइक्वल भी पढ़ लेंगे ना फिर ये भी हो सकता है, ये स्टार्टिंग के साथ साथ आप देखेंगे क्या ये इक्वल स्पेसिंग भी है या नहीं। 0.50 0.25 तो 0.25 ही आ रहा है तो ये इक्वल स्पेसिंग है। तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 0.5 जी बेटा। मैम इन केस अगर हमने कैलकुलेट करना हो 0.375 पे तो वो जो x नॉट लेंगे वो 0.25 लेंगे कि देन भी 0 ही लेंगे। अगर आपने लेना है 0.325 3255 ओके ओके ठीक है,
यानी वो आपके पास होगा 0.25 और 0.50 के दरमियान में आपका पॉइंट है, इसी तरह से होगा ना 0.25 आप एक्स नॉट ले लेंगे, ठीक है ना, शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं कि मैं कहाँ पे थी, ओ मेरे बोर्ड नीचे चली गई। अच्छा जनाब, यहाँ पे हम आगे, अब देखिए पी हमारे पास क्या है 0.5, अगर ये 0.5 है जो कि हमारे पास क्या है 0 और 1 की रेंज में लाए करता है, कंडीशन हमने क्या कही थी न्यूटन फॉरवर्ड पे कि इसको पी को 0 और 1 के दरमियान में होना चाहिए, तो ये है कंडीशन सेटिस्फाई है, वी कैन अप्लाई फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, या आप इसे कह सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस से बेहतर है, फॉरवर्ड डिफरेंस हमने पीछे कर लिया है, न्यूटन फॉरवर्ड कर ले, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, ठीक है ना, वो हम करेंगे अप्लाई। सो दिस इज माई एफ नॉट प्लस, ये मैंने दोबारा फार्मूला लिखा, पी को भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप भले पी को मत डालें अभी, छोड़ दें उसको, एंड में डाल लीजिएगा, पहले एक दफ़ा हम पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट तो करेंगे, हमारे पास 4th degree पोलिनोमियल कैसे बनता है, ये सारी वैल्यूज जो बेटा ऊपर टेबल में आपने देखी है पी की देखी है उनको पुट करना है। अब आप खुद देखें जब आप इस टेबल के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, ये देखें ये वैल्यूज, तो क्या चीज सबसे ज्यादा है, वैल्यूज पुट करना, वैल्यूज के टेबल से देखना, वो मुश्किल इतना नहीं है, कैलकुलेशंस पे देखें टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए पी पी माइनस वन और 2 फैक्टोरियल, पी पी माइनस वन पी माइनस 2 3 फैक्टोरियल, पी इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 इंटू पी माइनस 3 4 फैक्टोरियल, और साथ में ये फोर्थ ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस एट एक्स नॉट एट एफ नॉट भी मौजूद है। तो ये सारी की सारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, जो कि क्या, जो कि कैलकुलेशंस हैं जो आपको करनी है, और जितना आपके कैलकुलेटर की स्पीड यानी आपके हाथों की स्पीड आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी उतनी जल्दी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो उतना ही होगा ना एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, सो प्रैक्टिस। यहाँ पे चले गए और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट किया, पी की वैल्यू मैंने नहीं सब्स्टिट्यूट की थी, सिर्फ इसलिए नहीं सब्स्टिट्यूट की कि आपको पता चले कि देखिए इसको डालने से ये हमारे पास इस किस्म का पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट हो रहा है। आप इसको एक्स भी कह सकते हैं पी को, जरूरी तो नहीं है ना हम पी कहें, हम इसको अभी जैसे पॉलीनोमियल के लिए आप नोटेशन भले एक्स यूज कर लें, डजंट मैटर एट ऑल। तो आपके पास क्या है, ये 4th degree पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट की है, और जहन में क्या रखना है कि ये मेरी एक अप्रोक्सीमेटेड पॉलीनोमियल है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो ऊपर आपका गिवन डाटा सेट है ना इसको, मतलब अगर हमें इसमें इस पॉलीनोमियल के अंदर डाटा सेट की फर्स्ट वैल्यू क्या थी 0, अब 0 को पुट करें तो ये पूरे का पूरा आंसर क्या आ जाएगा 0, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो भी क्या दे रहा है, वो भी आपके पास फर्स्ट पॉइंट पे 0 दे रहा है। आप 0.25 चेक करके मुझे बताएं ना कि आपके पास इसका क्या रिजल्ट आता है 0.25 का, जल्दी से बेटा कैलकुलेटर ले ताकि आपको पता चले कि ये मतलब क्लियरली समझ आए ना कि हम कर क्या रहे थे, हम कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जल्दी से 0.25 हमने डाटा पॉइंट जो गिवन डाटा पॉइंट है उसका लिया है, और कह रही हूँ ये जो ये जो पॉलीनोमियल है इसमें आप पुट करें 0.2763 इंटू वो जो पॉइंट आपने पुट करना है p माइनस 0.0125 पी स्क्वेयर प्लस 0.00008 जो भी पॉइंट है पी क्यूब माइनस 0.0006 इंटू पी 4। मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो लेकिन होना इसका सही चाहिए। जी जनाब, जल्दी से आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या वैल्यू आती है। हाँ मैंने भी क्या बताया था 0.125 पुट किया था या 0.25 मैंने कहा था पुट करें, 1 में देखें क्या आता है, लेकिन मेरे ख्याल में ना एक और चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी पड़ेगी, चलिए आप करें फिर मैं बताती हूँ आपको। दिस इज द रिलेशन,
एक्स के लिए, ठीक है ना, पी एच इन प्लस एक्स नॉट इन टू पी. वन के साथ देखिए, चले वन के साथ मुझे बता दें क्या आता है. मैम ये जो ऊपर 0.125 था, ये x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 0.125? यस बिल्कुल गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर. असल में क्वेश्चन ना आपका यू लिखा हुआ था, ए बी सी पार्ट, मैंने उसको अलग अलग कर दिया इसलिए आपको नहीं नजर आ रही, अदरवाइज हमेशा गिवन होती है. वन के लिए जस्ट मुझे कैलकुलेट करके बता दें ताकि मैं क्लियर हो. 0.64 आ रहा है वन के लिए बेटा. जी मैम. क्या है 0.264? 4464 लेट मी 0.264 0.26 वन के लिए. यहाँ पे देखें ये 0.8427 आ रहा है. 0.84 और आपके पास क्या आ रहा है पॉइंट, ये आप वन के लिए बता रहे हैं ना? जी मैम. 0.264 कोई मे बी इसकी ना कैलकुलेशन में कोई सम इशू, कोई ना कोई इशू है इसकी कैलकुलेशन में. हाँ जी मैम यही आता है मैम. ये नहीं करना चाहिए कि जो हम पी कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हमने वन पे कैलकुलेट करना तो हम करें कि वन माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय h करके देखें. यही कर रही हूँ. हाँ ये मैं कह रही हूँ कि इसको इस तरह से करेंगे. एक्चुअली दो तरह से है ना, तरह करने से मैम ये 0.25 पे बनती है वैल्यू जो मैंने अभी बताई है. लाइक p की वैल्यू अगर हम देखें 1 आती है जब 0.25 पुट करें x की जगह. हम्म, पर करें x पॉइंट, आपने क्या किया 0.25 पुट किया, क्या पुट x की जगह क्या पुट किया 0.25. ओके 0.25 है, इसकी जगह 0.2. आंसर आपके पास क्या आया 0.264. 0.264 एक मिनट बच्चे, और आना क्या 0.264 ठीक हो गया 0.264 और आना चाहिए 0.76. तो हम क्योंकि कह रहे हैं कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है, तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू मतलब ये पॉलीनोमियल आपके पास एप्रोक्सीमेशन दे रहा है, तो आई थिंक ठीक है. अगला पॉइंट भी एक दफा चेक कर ले 0.5, वो बात उनकी ठीक है और यही मैं साइड पे लिख भी रही थी कि आपको बताती हूँ कि आपने इस तरह से इसको चेक करना है कि डायरेक्टली पी नहीं होगा. देखो बच्चों हम ये कह रहे हैं कि पी जो है वो हमारे पास क्या है एक्स पी, यानी जो पॉइंट आपने फाइंड आउट करना है इंटरपोलेट करना है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एच. फोर से सुनो क्या करना है हमने. मैं कह रही हूँ कि p कैसे आता है आपके पास, यहाँ पे वो एक्स पी पॉइंट जो भी आपने इंटरपोलेट करना है जिसकी आपने वैल्यू निकालनी है वो पॉइंट कहाँ पुट करते हैं हम इस x की जगह, ठीक है, माइनस एक्स नॉट जो पॉइंट आपके पास गिवन होगा डिवाइडेड बाय h करके आपने फाइंड आउट करना है. तो जब आपसे कह रहे हैं कि आपने x के लिए एवेल्युएट करना है देन पी एच प्लस एक्स नॉट, यानी आपके पास ये वाला रिलेशनशिप किस तरह से बनेगा कि आपको पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यानी इस पॉइंट के लिए आप इसको कन्वर्ट करेंगे 0.25 के लिए पहले ना पी, यानी इसका वैल्यूएट करेंगे वो वेरी करेगा पी. इस पॉइंट के लिए आपके पास किस तरह 0.125 के लिए तो ये एज इट इज चलेगा, लेकिन जो हमारे पास ये पॉइंट है अदर देन दैट जो पॉइंट है वो आपको इस रिलेशनशिप में पहले पुट करने होंगे तब आपके पास वो पी की फॉर्म जो है वो. जी अगर मैम 0.5 पुट करूं तो देन आ रहा है 0.4994, तो ये तकरीबन सेम ही डिफरेंस आ रहा है दोनों का. हाँ किस तरह से किया मुझे बताओ. मैम x की जगह पुट कर दिया ना 0.5 और x नॉट की जगह 0 और h की जगह 0.25. आपके पास आंसर क्या आया मैम? आ रहा है 0.4994, यानी 0.5. तो कुछ वैल्यूज पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है, कुछ भी क्योंकि अप्रोक्सीमेट है तो अप टू 2 decimal places या नियरली आप कह सकते हैं कि आपके पास इक्वल आता है. और ये जो पॉइंट है ये आपको समझ आया कि ये करना किस तरह से है, जो आपका एक्स है बेटा वो हर पॉइंट पे वैरी कर रहा है, ठीक है ना मैम. जो आपने
जी बोले मैम, जो आपने क्वेश्चन किया हुआ है वहां पे F 0.125 पुट किया हुआ है जबकि P तो 0.5 आया था ऊपर। यस 0.5 ही पुट करेंगे, 1 ये नहीं करेंगे, 0.5 ये भी मिस्टेक है। 0.5 आया था ना, तो 0.5 पुट करेंगे इसके लिए, ये हमारे पास आंसर आएगा। फिर दोबारा से सुन लें इस पॉइंट को कि आपका जो एक्स है बेटा वो हर पी के लिए आपके लिए डिफरेंट आ रहा है ना। जो पी है एक्चुअली, ये देखो मैं आपको यहाँ पे ये रिलेशनशिप, मैंने इसको इसीलिए एक्स किया है कि दैट इज बेसिकली अ वेरिएबल। आपके डाटा सेट के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उसमें एक्स नॉट कॉन्स्टेंट रहेगा, एच भी कॉन्स्टेंट रहेगा, जो आपने एक दफा बता दिया ठीक है। बट जो आपके पास एक्स है वो वेरी करेगा जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली। मसलन मैं आपसे कहती हूँ कि इंटरपोलेट करें एट पॉइंट फाइव, एट पॉइंट वन टू फाइव, तो फिर आपका पी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली वेरी करता जाएगा। लाइक अगर आप जीरो ले रहे हैं तो पी कुछ आएगा, अगर आप पॉइंट वन ले रहे हैं तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली इंटरपोलेट होगा, और फिर आपने वो वाली पी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। दैट्स व्हाई पी इज वेरिएबल ओवर हियर, ये बात समझ आई है। और इसको अगर आप मैच करेंगे अपने गिवन पॉलीनोमियल के साथ तो वो एग्जैक्टली मैं फिर कह रही हूँ क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट किया है ना आपने, खुद से कंस्ट्रक्ट किया है, खुद से मेथड लगा के इसको आपने निकाला है, तो वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैल्यूज दे वो आपको, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली वो आपको देगा। लेकिन स्टिल देखें हर मेथड के अंदर ड्रॉबैक होते हैं, तो फिर उसी की मॉडिफिकेशन आती है नेक्स्ट मेथड। 100% एक्यूरेट नहीं होता, 100% एक्यूरेट होता तो फिर वही बात है ना कि नो एनालिटिकल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते, हम न्यूमेरिकल पे आते ही ना, समझ रहे हैं। तो वही बेसिक कॉन्सेप्ट हमने न्यूमेरिकल में क्या लिखा था कि जहाँ पे हमारे पास एनालिटिकल सोल्यूशन फाइंड आउट करना मुश्किल है या नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते तो हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। तो इसलिए आप एग्जैक्टनेस को मतलब माइंड से थोड़ा निकाल देंगे जी, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू हमारे पास आएंगी। ये पॉइंट अच्छा मुझे बताएं, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस क्लियर हो गया किसी की? मैं जो पूछती जा रही हूँ मुझे चैट बॉक्स में बताते जाए, मैं खुद पूछूंगी फिर तो उससे पहले पहले आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरपोलेशन में आप थोड़ा टाइम न्यूटन फॉरवर्ड पे और न्यूटन बैकवर्ड पे लगा दें बाकी सारे सिमिलर हैं, इतना मुश्किल नहीं, आप कर लेंगे फिर उसको ना, एक दफा ये कॉन्सेप्ट अपने बना लें कि ये इस तरह से किया है। जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपने एक दफा कंस्ट्रक्ट किया, फिर जस्ट हमने नोटेशन दिए हैं उसको, एंट्री को किस तरह से रेफर करते हैं, तो वो फिर इजी हो जाता है। तो इसी तरह से आप स्टार्ट वाली जो चीजें हैं वो कर लें। अब मुझे ये बताएं कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पता है, हम कर क्या रहे हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, क्लियर है? मैं खुद से किसी से भी पूछ लूँ, 1021 क्लास में है राजा मोहम्मद सलमान जावेद, 1021 है क्लास में, जल्दी से अनम्यूट करो बेटा। मैम इक्वेशन बना के एक बार रीकैप करवा दें। ओके, कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं? 1049 किस इक्वेशन की? अनम्यूट कर लो खुद को बेशक। नहीं जब पी की इक्वेशन बनी है मैम एंड पे जिसके नाम वैल्यू स्टार रहे हैं तो थोड़ा डिफरेंस से आ रहा है आंसर, वो एक दफा मैम पूरा बेटा आपके पास क्या होगा गिवन ये क्वेश्चन होगा, लाइक जस्ट ये दो पार्ट दिए हुए होंगे क्वेश्चन में, एक्स और एफ ऑफ एक्स आई। आपने क्या करना है, अगर आपसे यहाँ पे जो भी कहा जाएगा कि कंप्यूट द फॉलोइंग डाटा या डाटा सेट बाय यूजिंग सूटेबल फार्मूला टू इंटरपोलेट फ्ला वैल्यू, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे 0.125 आपसे कह रहे हैं, 0.01 कह रहे हैं। मसलन मैं आपसे कहूँगी ना कि आपने क्या करना है, इंटरपोलेट करना, इंटरपोलेट द फॉलोइंग डाटा, इंटरपोलेट, यूजली हम इंटरपोलेशन में इसी तरह क्वेश्चन देते हैं, इंटरपोलेट द फॉलोइंग डाटा सेट, द फॉलोइंग डाटा सेट यूजिंग सूटेबल फार्मूला, फॉलोइंग डाटा सेट को आप बी में एस लिख रही हूँ, आप प्लीज इसे पूरा लिख लें, डाटा सेट यूजिंग सूटेबल इंटरपोलेशन फार्मूला, सूटेबल इंटरपोलेशन फार्मूला इंटर आप पूरा लिख लें, इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर एंड कंस्ट्रक्ट अ पॉलीनोमियल या कंस्ट्रक्ट अ वैल्यू फॉर एफ ऑफ एनी वैल्यू।
और अगर मैं आपको यहाँ स्टार्ट में से दे देती हूँ मसलन 0.1 दे देती हूँ या कोई और वैल्यू दे देती हूँ, तो अब आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया कि इंटरपोलेशन करनी है, लाइक इस डेटा पॉइंट की वैल्यू देनी है और ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, 0.1 की वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है, दैट्स व्हाई इंटरपोलेशन का है, और फंक्शन भी मुझे नहीं पता, तो मैंने एक ऐसा फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है जो इस डेटा को भी अप्रॉक्सीमेट तो कर ही रहा हो डेफिनेटली, तो इसकी वैल्यू भी फिर मैं यहाँ 0.1 को पुट करके वो आंसर भी निकाल लूंगा। सही हो गया। आप क्या करेंगे, आपने देखा कि स्टार्ट में वैल्यू है, तो स्टार्ट के डाटा के लिए हमने जो मेथड पढ़े हुए हैं वो पढ़े हुए हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, अब आपने सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट किया, जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में फाइनाइट डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करते थे, एक लाइन छोड़ के मैं कहती हूँ वैल्यूज लिख लिया करो, फिर उनके मिड में उनका डिफरेंस लिख लिया करो एंड सो ऑन। आपके पास जितने ऑर्डर का पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट करने का कहा गया है ना, उतने ऑर्डर तक आप फाइनाइट डिफरेंस निकाल लें। तो जैसे इन्होंने कहा था कि फोर्थ ऑर्डर का पॉलीनोमियल, ये टेबल इसलिए भी बढ़ा गया है, अगर नहीं कहा गया तो फिर लास्ट वैल्यू तक आप बेशक कंस्ट्रक्ट करें, या जहाँ पे देखें कि आपके कोफिशियंट जीरो हो रहे हैं, आप सम करते हैं कोफिशियंट जीरो होते हैं, तो बस आप उस कॉलम तक कंस्ट्रक्ट करेंगे, बस उससे आगे नहीं जाना, या फिर आप देख लेते हैं कि आपका पॉलीनोमियल कितने ऑर्डर का कहा गया है। जैसे फोर्थ डिग्री पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है ना, तो फोर्थ डिग्री का मतलब है कि आपको फोर्थ ऑर्डर का फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज होने वाला है आपके फार्मूला के अंदर। नेक्स्ट, पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट में, ये जैसे क्वेश्चन है इसमें कहा गया, मैं तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी ना इंटरपोलेट करें, तो आप पहले स्टेप में क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, वो वही है कि आपके पास जो डिफरेंस टेबल है सिंपली वो है। फिर आपसे कहा गया है कि यूज, अब ये मैं नहीं कह रही, मैं तो सिंपली कहूंगी ना कि सूटेबल इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हुए फोर्थ डिग्री पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट करें। फोर्थ डिग्री पॉलीनोमियल के लिए फिर आप क्या करेंगे, न्यूटन डिफरेंस आपका डाटा, क्योंकि पॉइंट जो है वो इनिशियल मैंने शुरू कर दिया हुआ था, आप ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस चूज करेंगे, जो आप सूटेबल फार्मूला आपके लिए यही होगा, आप उसको लिखेंगे और उसके अंदर जो चीजें मिसिंग है वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने आपको ऊपर फार्मूला बताया था न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, तो मैंने आपसे कहा था कि ये आपके पास गिवन है फार्मूला एफ नॉट, ठीक है, एफ नॉट अब आपका फाइनाइट डिफरेंस टेबल में आपको पता है कौन सी क्वांटिटी है, पी अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस एट एफ नॉट ये निकाल, ये भी पता है आपको, आप उन लाइन उन वैल्यूज को अंडरलाइन कर लें अपने टेबल के अंदर, जैसे ये मेरे पास एफ नॉट थी ना, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया कि ये मैं यूज करूंगी, चाहे बॉक्स बना लें अंडरलाइन कर लें, ये मेरे पास डेल्टा एफ नॉट है, इसको यूज करूंगी, इसको यूज करूंगी, ये और ये, तो मेरी क्वांटिटी पूरे टेबल में से जो मुझे चाहिए वो मैंने निकाल ली वैल्यूज। उसके बाद क्या करूंगी, पी कैलकुलेट करना है, पी के लिए ये हम कहते हैं कि कोई भी पॉइंट एक्स एन इज एनी पॉइंट ऑन रियल लाइन, आप इस पॉइंट को इन टर्म ऑफ एक्स नॉट लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, और ये फाइनाइट डिफरेंस के पहले सफे पे पहले लेक्चर में आपके पास मौजूद है ये चीजें। ये रिलेशन यूज करते हुए मैंने पी की वैल्यू निकाली, ये जो पी की वैल्यू मैं निकाल रही हूँ इसमें मैं कह रही हूँ कि ये जो एक्स पी है ये वेरी करता जाएगा, मसलन आपके पास देखें x नॉट फिक्स है माई इनिशियल पॉइंट, एच भी फिक्स है, कॉन्स्टेंट स्पेसिंग है, तो अभी तो एक्स भी एच भी मेरे पास फिक्स है, जैसे ये मेरे पास है x नॉट, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस h है, अब और जो मेरे पास एक्स पी है वो वेरी कर रहा है, मे बी एक्स पी 0.25 हो, 0.50 हो, 0.75 हो, 1 हो, या यहाँ दरमियान में से मैं पॉइंट कौन सा ले रही हूँ 0.125, मेरे पास 0.125 होगा, तो वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू योर मैम xp वो पॉइंट है जो जो पॉइंट आप देंगे कि इस पॉइंट पे इंटरपोलेट करना, जो पॉइंट पे वैसे दूंगी इंटरपोलेट करने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली वो दिया हुआ होगा, लेकिन आपने जो पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट किया है अगर आप उसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये मैंने ठीक कंस्ट्रक्ट किया है या नहीं, तो उसको क्या करना चाहिए, आपके गिवन डाटा सेट की ये जो वैल्यूज है इनके नियरली इक्वल होना चाहिए, या कुछ तो एग्जैक्टली इक्वल दे देगा, कुछ नियरली इक्वल देगा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैंने फिर इसलिए आपको नीचे बताया था कि ये पॉलीनोमियल इनके लिए भी उतना ही एप्लीकेबल होगा जो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, सिर्फ आपने फर्क थोड़ा सा समझ लेना है कि ये जो पैरामीटर हम यूज कर रहे हैं वो किस तरह से हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो देखिए बेटा ये आपके पास आ गया, अब आप xp क्लियर हुआ है कि ये क्या है, ये वो पॉइंट है जिसपे मैं कहती हूँ मसलन इंटरपोलेट करें, तो फिर ये क्या बन जाएगा 0.125,
मसलन मैं आपसे कहती हूँ 0.5 ले लें, मसलन मैं आपसे कहती हूँ 0.25 ले लें, 0.6 ले लें, तो आपका P इस X P के अकॉर्डिंगली वेरी करा जाएगा। वैसे भी आप देखें ना, आपने फार्मूला किस तरह किया हुआ था, X1 इज इक्वल टू X नॉट प्लस एच पी या पी एच कह लें या 1H कह लें, सॉरी इसको 1 कह देते हैं ना, 1H था। फिर हम क्या कहते थे, X2 इज इक्वल टू X नॉट प्लस 2H प्लस 2H। फिर हम क्या कहते थे, X3 इज इक्वल टू, ये आपने वहां ड्राइव किया हुआ है, प्लीज आप देखिएगा कि आपने किस तरह से इसको ड्राइव किया है, आसान सा है, फौरन समझ जाएंगे 3H। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ XP है तो वो मेरे पास क्या होगा, X नॉट प्लस PH। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो P है ये रिलेट कर रहा है इसके साथ, जो इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी तो P भी फिर चेंज होता जाएगा, ठीक हो गया। सो एक्स पी, अगर तो मैं आपसे, मैंने तो पूछा है ना इस पॉइंट पे करें, मे बी मैं दो पॉइंट दे दूं, पॉइंट मैं आपसे एट अ टाइम ना दोनों फार्मूले, डिफरेंस फार्मूले क्विज में जैसे हो सकता है, मैं आपको पॉइंट 1-5 भी दे दूं और यहां से पॉइंट 0.75 और 1 के दरमियान में से भी कोई पॉइंट दे दूं, 0.9 दे दूं। मेरी कोशिश होगी एक में बच्चे लगाएं फॉरवर्ड, एक में लगाएं बैकवर्ड, बैकवर्ड करवाने के बाद, तो ये दो वैल्यूज में भी आप कर सकते हैं कैलकुलेट। तो एक के लिए पी मेरा क्या होगा, जो आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, दूसरे के लिए पी अब आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो पी फिर वैरी कर रहा होगा। या आपसे मैं कहती हूँ कि मैच भी करेंगे, ये पॉलीनोमियल मैच कर भी रहा है या नहीं, देन पी क्या होगा, 0.25, 0.50, 0.75 and 1। समझ आ गई है ये बात, कि पी वाला इशू और एक्स पी वाला इशू क्लियर कर लें। अच्छा, अब मुझे क्योंकि इस पॉइंट पर इंटरपोलेट करवाना था 0.125 पे, इसलिए मैंने पी को चेक किया, पी इज 0.5, ये पी लाई कर रहा है इस इंटरवल में, इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब जब हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यूज को पुट किया, यानी वैल्यूज डाली, पी को मैंने रहने दिया क्योंकि मैंने 4-degree पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट करना था, सिंप्लीफाई किया बेटा, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास ये पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये पॉलीनोमियल किसके लिए कंस्ट्रक्ट हुआ है, 0.125 को इंटरपोलेट करने के लिए, 0.125 में पी क्या था, 0.5 था, इसलिए मैंने कहा कि ये गलती से हुआ है, 0.125 नहीं होना चाहिए था, 0.5 होना चाहिए था इसके लिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर केस है। वैसे जब हम, मैंने खुद पढ़ा था, लाइक जब हमें करवाया गया था, तो इन दैट केस हम एक जर्नल फॉर्म मतलब बनाते थे, उसमें असल में हम ये फॉर्म यूज करते थे, पी की एग्जैक्टली यही फॉर्म हम बार बार यूज कर रहे होते थे, मतलब हम पी नहीं लिखते थे, पी की जगह हम क्या लिखते थे, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच, यहाँ पे क्या लिखते थे, x माइनस, इसको फिर सॉल्व कर लेते थे ना, यानी एक वो फॉर्म आपके पास बनती थी, तो फिर उसमें डायरेक्ट हम x की वैल्यू डालते थे, तो हमारे पास आंसर मैच करते थे। ये एक कम्पैक्ट फॉर्म है जो मुझे उससे बेहतर लगती है, कि आपको बच्चे जिस पॉइंट के लिए पी चाहिए आप चेक कर लेना, कोई मसला तो नहीं है, लेकिन अदरवाइज ये एक आपके पास एक कम्पैक्ट फॉर्म है, फॉर्मूला कम्पैक्ट है, आपको याद करना है, इसको ड्राइव करना भी ईजी है, ड्राइव तो खैर उस तरह भी करके, यानी ये वाला करके पी की वैल्यू भी पुट कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये 4-degree पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट हुआ, इसमें पी आपके पास 0.5 था, फॉर एक्स पी 0.125 उसकी वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की, तो आप ये कह सकते हैं कि एट 0.125 यानी इस पॉइंट के लिए आपके पास 0.1351 वैल्यू होगी इस डाटा सेट की। तो ये जो पॉलीनोमियल है ये इसके लिए तो वैल्यू दे ही रहा है, जो वैल्यू इस डाटा सेट में मौजूद नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम मैंने कहा था ये सेटिस्फाई या नियरली अप्रोक्सीमेट करेगा आपके गिवन डाटा सेट को भी, बस आपने पी का रिलेशनशिप याद रखना है, ये वाला रिलेशनशिप अपने पास रखें, कि जब आप यहाँ पे, मैं कहती हूँ एक्स चेक करें बेटा, एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू आती है, देन एक्स 1 हो जाएगा, 1-0 डिवाइडेड बाय एच, वो आपका पी बनेगा, तो वो पी आपने यहाँ पे पुट करना है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि गिवन डाटा सेट में से कोई और वैल्यू कौन सी है, मेरे पास 0.5 पी हुई है, यस 0.50 है, तो अब आपका एक्स क्या हो जाएगा, 0.5 माइनस एक्स नॉट जीरो डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू, आपके पास क्या बन जाएगा, ये पी, वो वैल्यू आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपको वो पॉइंट मिलेगा जो आपको उसके अगेंस्ट है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई थिंक हमने काफ़ी सारा काम इस पर कर लिया है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो कि आज मैंने पढ़ाना था। अच्छा, अब भी अगर किसी किस्म का कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एक दफा ये चीजें क्लियर कर लें आपको बाद में। रिवर्स मेथड का थोड़ा सा बता दें। वो भी बताती हूँ, रिवर्स का मतलब बैकवर्ड का है ना। यस मैम। मैं अगला लेक्चर ही हुई है, मैं आपको एक और क्वेश्चन भी फॉरवर्ड पे करवाती हूँ, आप अपना रजिस्टर और पेन कैलकुलेटर निकाल लें और मैं आपको क्वेश्चन साथ साथ मेरे करें,
ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं। ओके यस, अब ये आ जाएं जी, एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया, यूज न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस। ये मैंने ऊपर लेक्चर भी कुछ भी नहीं लिखा था क्योंकि ये उसी की कंटिन्यूएशन में था। यूज न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला टू इंटरपोलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.75 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट। अब मैंने पेपर जब बनाना होगा तो मैं ये खत्म कर दूंगी, मैं सिंपली क्या लिखूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं इसको खत्म कर दूं, नहीं ना मैं यूज क्यों खत्म करूंगी, मैं लिखूंगी यूज इंटरपोलेशन फार्मूला, यूज इंटरपोलेशन फार्मूला, यहाँ पे लिखूंगी फार्मूला फार्मूला फॉर द टू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1.75 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सेट। ये आप खुद डिसाइड करें। अब आपके पास क्या है, 1.75 का मतलब ये है कि आपके पास जो वैल्यू है वो कहाँ पे है, यहाँ कहीं 0.15 और 2 के दरमियान में आपके पास वैल्यू है। अब मैं आपको बताती हूँ एज इट इज जो हमने प्रीवियस केस में किया था, और ये जो अभी मतलब आपके जहन में ये मे भी कंफ्यूजन आ रही होगी कि ये जो पी हम 0 से 1 के दरमियान रखते हैं इसका मकसद क्या है, ठीक है ना, इनिशियली उन्होंने जब रखा था उसकी रीजन क्या है, वो रीजन क्लियर करने के लिए ये सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपके पास डाली है। आपके पास लिख दिया है कि अगर आपके पास ये मैं ना लिख के देती, 1.5 और 2 के दरमियान में आपके पास 1.75 आता है, जो इस डेटा सेट का अगर मैं देखूं, ये मेरे पास टोटल 0.5 के दरमियान, आप कह सकते हैं ये सेंटर, 2.5 के सेंटर या बट इनिशियल कम से कम नहीं है, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट किस पे किया है, यूज न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला टू इंटरपोलेट, इसके लिए मैंने कहा, मतलब कह देती हूँ कि यही फॉर्मूला यूज करना और इसको निकालना है। आपसे क्या कह रही हूँ रिपीटेडली, यूजली जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगा लेते हैं। उसमें क्लियरली ये बात लिखी हुई है, रिमार्क्स में देखिएगा, मैंने भी यहाँ पे लिखी है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उन पे जब हमारे पास अपनी चॉइस हो ना फार्मूला लगाने की, लाइक सूटेबल फार्मूला लगाना है ये चॉइस है, तो फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट्स के लिए न्यूटन फॉरवर्ड लगाएंगे, एंड पॉइंट्स के लिए न्यूटन बैकवर्ड लगाएंगे, और सेंट्रल पॉइंट्स के लिए सेंट्रल फार्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास, आपको मैं रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ कि नहीं जी फॉरवर्ड ही लगाना है, तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और उसको हम ठीक कैसे करेंगे, वो इस एग्जांपल में आपको करवा। तो बेटा पॉइंट आपको समझ आ गई कहाँ पे है, कि अब आपने माइंड पहले से ही बन जाना है कि न्यूटन फॉरवर्ड से इतनी जल्दी जल्दी कहाँ, अब बुक से कहाँ कहाँ प्रॉब्लम वो लिखिएगा। अच्छा जी, अब एक्स पी वो पॉइंट है जिसको हम इंटरपोलेट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है पॉइंट 1.75 यानी यहाँ कहीं आता है। एक्स नॉट मेरे पास क्या था, 0, जैसे बच्चे ने कहा था ना कि चेंज करना है, तो मैंने कहा था जी बिल्कुल करेंगे, अगर हम नहीं करते तो अब देखिएगा कि क्या है, एक्स नॉट अब गिवन फार्मूले में इनिशियली आपके पास तो 0.5 था, तो हम 0.5 ले रहे हैं, ठीक है। अब वो जो बात है ना उस पर भी हम अभी आते हैं, देखिएगा 0.5 एच हमारे पास क्या है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट होता है, लाइक स्पेसिंग इक्वल स्पेसिंग हम कहते हैं, सो दैट इज 1 - 0.5 इज 0.5, 1.5 में से 1 निकालें तो भी 0.5 है, 2 में से 0.5 निकालें तो भी 0.5 है, 2.5 में से 2 निकालें तो भी 0.5 है आपके पास, तो h हमारे पास क्या है, इक्वल स्पेसिंग है, इसलिए न्यूटन फॉरवर्ड लग सकता है। अब हम देखते हैं कि ये फार्मूला अप्लाई करने से पी, मतलब हम बजाय ये कि हम अप्लाई करते हो रिजल्ट हमारा वो पॉलीनोमियल कंस्ट्रक्ट ही ना होता जो इसको इंटरपोलेट कर रहा होता, हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन लगा लेंगे, हम पहले चेक करेंगे कि क्या न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला एप्लीकेबल है या नहीं। समझ आई ये बात, क्या मैंने दिया है कि आपने इस पर न्यूटन फॉरवर्ड लगाना है, लेकिन एंड पॉइंट है या सेंट्रल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो फिर वो कैसे वेरीफाई हो, ये वो पी वो का। अब मैंने क्या किया, नाउ चेक P को चेक करें टू अप्लाई न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, अगर P हमारा 0 और 1 के इंटरवल में होगा तभी ये बात ठीक होगी, अदरवाइज नहीं। तो ये वाली जो चीज़ है ना कि मैंने एंड पॉइंट पे इंटरपोलेट आपको करवा रही हूँ या सेंट्रल पॉइंट पे मैं आपसे इंटरपोलेट करवा रही हूँ बाय न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, तो क्या होगा, मतलब उसको किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है, उस तरह की बात है। सो एक्स पी इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच,
पी जब हमने निकाला वो था 1.75, अब एक्स पी हमारे पास है जिसको हमने इंटरपोलेट करना है 0.5x नॉट है डिवाइडेड बाय एच हमारे पास 0.5 था, तो मेरे पास क्या आ गया 2.5, जिससे आपको रोक दिया कि आप नहीं अप्लाई कर सकते विद दिस ओरिजिन एक्स नॉट, विद दिस ओरिजिन विद दिस वैल्यू आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना, रोक दिए, रिस्ट्रिक्ट हो गया आप, क्योंकि 2.50 और 1 के इंटरवल में नहीं है। तो अब हम क्या करें, व्हाट कैन वी डू नाउ, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे शिफ्ट करेंगे अपने ओरिजिन को टू एनी वैल्यू, स्टार्ट की आप कोई भी वैल्यू ले ले, आपकी अपनी चॉइस है बेटा। मेरे पास क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 पांच तो वैल्यू है, तो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट में चॉइस जो है वो 1 की है, और मैं यहाँ पे चेक करूंगी फिर 1.5 को, फिर 2 को, फिर 2.5 को, यानी ओरिजिन शिफ्ट कर करके मैं अपनी वैल्यूज को देखूंगी उसके करीब जाने, मतलब करीब वैल्यू के लिए ना अपना ओरिजिन शिफ्ट करूंगी। बट अगर आपके पास 1 से 100 तक वैल्यूज हैं, तो आप पहली वैल्यू के बाद 5 का स्किप लेके 5वीं वैल्यू ले सकते हैं, 5 का स्किप लेके 10वीं वैल्यू भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आप अपना ओरिजिन कैसे शिफ्ट करते हैं। मैंने जो कॉन्सेप्ट आपको समझाना है वो ये समझाना है कि अगर आपसे आप इंटरपोलेट न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस से कोई भी वैल्यू कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट एप्लीकेबल कहाँ पे है, स्टार्टिंग वैल्यूज पे, लेकिन बीच की वैल्यूज पे आप कब अप्लाई कर सकते हैं, बाय शिफ्टिंग इट्स ओरिजिन, आप उसकी वैल्यू को शिफ्ट करें। शिफ्ट करने का क्या मतलब है, आप स्टार्टिंग वैल्यूज अपनी चेंज करते जाएं, आप कहें 0.5 इज नॉट माई स्टार्टिंग वैल्यू, लेट से हमारे पास 1 स्टार्टिंग पॉइंट है, 1 इसके तो करीब आ जाएगा ना, 1.75 के 0.5 की निस्बत 1 करीब है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ कि हम करते हैं शिफ्ट अपनी वैल्यू को 0.5 की जगह, लेट से हम एक्स नॉट को 1 ले लेते हैं। नाउ 1 इज माय डाटा पॉइंट, मैंने खुद से नहीं लिया, 1 मेरे डाटा पॉइंट के अंदर मौजूद है ऑलरेडी, तो मैंने वहां से एक वैल्यू उठा ली। क्यों 1 ले रही हूँ, क्योंकि 5 ही वैल्यूज है, अगर ये मेरे पास होती ना 100 वैल्यूज तो फिर मैं भी जो 5th पोजीशन पे वैल्यू होती वो ले लेती, या 10th पोजीशन पे, क्योंकि वो भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही होता, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली, तो अभी मेरे पास 5 वैल्यूज हैं तो मैं x नॉट 1 ले रही हूँ। सो अब क्या होगा, 1.75 एक्स पी है, x नॉट चेंज हो चुका है जो कि 1 हो गया है, 0.5 विच इज 1.5, 1.5 इज अगेन ग्रेटर देन दिस इंटरवल, इसमें मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे हम इसको भी नहीं ले सकते, 1 को भी नहीं ले सकते, अगेन शिफ्ट करें, अगेन शिफ्ट करने में मैं नेक्स्ट वैल्यू देखूंगी मेरे पास कौन सी है मेरे डाटा पॉइंट्स के अंदर। सो 0.5 इसको इंटरपोलेट करने के लिए ठीक नहीं है ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट, 1 इसको इंटरपोलेट करने के लिए ठीक नहीं है, फिर कौन सा बचता है, 1.5, तो हम 1.5 को चेक कर लेते हैं। सो जब हमने 1.5 को चेक किया तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1.75 को इंटरपोलेट करना है, एक्स नॉट ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है 1.5 पे, कांस्टेंट डिफरेंस है 0.5 का, पी क्या आ गया 0.5, 0.5 इज नाउ इंक्लूड इन दिस इंटरवल, इसका पार्ट है, बिलोंग करता है इससे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ओरिजिन, वो जो बच्चा कह रहा था कि मैम फिर पॉइंट भी तो शिफ्ट हो जाएंगे, तो देखे ये शिफ्ट हो गया, यानी वो हम खुद से नहीं डायरेक्टली शिफ्ट करके ले लेते, ये जो पी है ये हमें एग्जैक्टली बता रहा होता है कि आपका पॉइंट किस तरह से आएगा, आप किस तरह से लेंगे, खुद से गेस पॉइंट नहीं लेते। ये बात समझ आई है बच्चे, या किसी किस्म का कोई मसला है तो प्लीज बताएं, क्योंकि सेम यही चीजें बैकवर्ड में भी होती हैं, इसी तरह से हम वहां पे भी देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये पॉइंट क्लियर है, प्लीज मुझे बताएं कि शिफ्ट कैसे करते हैं, है ना, पॉइंट का। मैम हम इन सारी कैलकुलेशंस के बगैर वैसे भी तो बता सकते हैं कि एक्स नॉट 1.5 होगा, हर दफा जब, अभी आपके पास 5 वैल्यूज है ना तो अभी हम बता सकते हैं, लेकिन जब आपके पास 100 एंड थाउजेंड्स में वैल्यूज है, इन दैट केस ये चीजें फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाती हैं। तो इसलिए वैसे भी बीइंग मैथमेटिशियन हम रफ गेस पे या टेबल सिर्फ हमेशा, या मैं आपको बेटा समटाइम्स ऐसा भी तो होता है टेबल बना के ही नहीं दे रही आपको, वैसे वैल्यूज दे रही हूँ, ठीक है, तो हर दफा जरूरी तो नहीं है हमारे पास टेबल भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ हो, आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, इन दैट केस हाउ प्रॉपर प्रोसीजर टू शिफ्ट योर ओरिजिन या टू सेलेक्ट एक्स नॉट, वो कैसे करना है, ठीक है। मे बी कुछ वैल्यूज में ना ऐसे केसेस जरूर होंगे जिसमें वैल्यू यहाँ पे आ रही होगी, बट मे बी एक्स नॉट शुड बी समवेयर यहाँ पे कहीं कोई वैल्यू आपके पास, एक ऊपर छोड़ के भी उसके लिए वो स्टार्टिंग ही हो,
जैसे आपका डाटा ह्यूज है ना, 1 से लेके 100 तक, मे बी वो 1 के लिए सेटिस्फाई ना कर रहा हो, लेकिन अगर 2.3.5 है तो 2 उसके लिए स्टार्टिंग में ही आ रहा हो, तो दैट वो भी हो सकता है. यानी तो बेस्ट प्रोसीजर आपके पास क्या है कि आप पी को प्रॉपरली इसी मेथड से सेलेक्ट कर लें, और अदरवाइज जैसे छोटा डाटा है तो यस यू आर राइट, आप टेबल देख के फॉर्म बता भी सकते हैं. जैसे पहले भी बच्चे ने कहा था कि मैम अगर पॉइंट नीचे होगा तो हमारा एक्स नॉट शिफ्ट कर जाएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस से शिफ्ट कर जाएगा, ऐसा ही होगा. लेकिन ये सेकंड डिफरेंस जो हम निकालते हैं, ये फर्स्ट डिफरेंस की दो टर्म्स का डिफरेंस है ना? यस बिल्कुल बिल्कुल. सेकंड डिफरेंस आपका किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है, टेबल बनाया हमने ठीक है, मुझे कनेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं है. मैंने ना ये कैलकुलेशन कल फिंगर्स पे की थी, लाइक जो उंगलियों पे हम काम करते हैं वो वाला, जुबानी जुबानी, तो मे बी मिस्टेक हो. कोई और बच्चा भी इन्हें चेक करे ये डिफरेंस, अगर जो भी क्लियर है वो बता दीजिएगा, हम वो ले लेंगे. ओके ठीक है ना, ये कटिंग मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने खुद नहीं की है. ये इसीलिए अच्छा, ये प्लीज़ एक और बच्चा भी कोई चेक कर ले और हमें बता दें कि इसमें क्या वैल्यू आएगी, हम देख लेंगे. तो जनाब अब हमारा जो x नॉट है वो चेंज हो चुका है, वो 1.5 हो गया है. तो अब हम क्या करेंगे, f ऑफ p अप्लाई करें, f नॉट सॉरी जी प्लीज बताएं. अच्छा अब मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास x नॉट 1.5 है, देन व्हाट इज f नॉट, एफ नॉट डेल्टा एफ नॉट क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट क्या होगा, एंड सो ऑन. बताएं जी. 2.62 डेल्टा एफ नॉट तो हो जाएगा मैम 0.625 हो जाएगा. वेरी गुड, दिस इज माय एक्स नॉट, देन व्हाट इज एफ नॉट, एफ नॉट फिर क्या हो जाएगा मैम, इसके सामने जो 2 आए वो ही हो जाएगा. दिस इज माय एफ नॉट, फिर डेल्टा एफ नॉट क्या होगा, 0.625. वेरी गुड, ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा एफ नॉट, एंड व्हाट इज डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट, -0.487. ये आपके पास, और आगे है ही नहीं वैल्यू, तो बस सेकंड डिग्री तक हम जाएंगे. क्लियर होगी बात? तो जैसे आपने शिफ्ट किया ओरिजिन, वैसे ही आपकी ये जो एफ मतलब जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है वो भी शिफ्ट हो जाएंगी. यही सारी वैल्यूज बेटा आपने पुट करनी है और इंटरपोलेट कर लेना है इसके लिए. तो x नॉट इज 1.5, f नॉट 2 है, डेल्टा f नॉट हमारे पास 0.625 है, डेल्टा स्क्वायर f नॉट पॉइंट -0.4875 है. इसको चेक कर लीजिएगा डिफरेंस मैम, वो क्यूब वाला तो हमारे पास बनेगी बस यही. मतलब आप डायरेक्शन कैसे होते हैं, यहाँ पे देखो फॉरवर्ड में ना हम इस डायरेक्शन में यूं जा रहे होते हैं, बैकवर्ड में हम यूं ऊपर जा रहे होते हैं. आप टेबल देखिएगा ना, इससे पहले वाला टेबल दिखाओ, वो है ही नहीं. आप टेबल देखिएगा, आप एंट्रीज आपकी इस तरह से जा रही होती है ना डायगोनल स्ट्रेट, तो आपके पास है ही नहीं ये वैल्यू थर्ड वाले के लिए, है ही नहीं ये ऊपर. अगर मैं होती ना बैकवर्ड में, देन मैं इनको कंसिडर करती. फॉरवर्ड में हम इस तरह से यूं जा रहे होते हैं इस डायरेक्शन में. आपका टेबल देख लीजिएगा, इसी तरह कंस्ट्रक्ट होता है. फॉर एफ नॉट जो गिवन फाइनाइट डिफरेंस टेबल है ना, आप उसको देखिएगा, उसमें एफ नॉट किस तरह से जा रहा, मतलब किस तरह वैल्यूज आ रही होती है. सो जी हम क्या करेंगे, वैल्यू सिंपली पुट करेंगे और 2.3739 वहाँ पर आंसर आ जाएगा. अब ये यहाँ पे जो आप इसको ना, मैंने तो इसमें डायरेक्टली पुट कर दिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है. आपने अगर अपनी क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो आप फिर पी पुट ना करें, पी को आखिर में जाके पुट करें. पहले आप इसका पॉलीनोमियल, जैसे f ऑफ x नॉट पे मैं क्या पुट करती, 2 प्लस 0.625p प्लस यहाँ से p स्क्वायर माइनस p ओवर 2 से 2 फैक्टोरियल को बेशक यहाँ सॉल्व कर लें डेल्टा स्क्वायर, फिर वो आपके पास एक सेकेंड डिग्री पॉलीनोमियल बनता, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली फिर उसके बाद उसमें p पुट कर लें. या आप अगर आपने नहीं चेक करना अपने क्वेश्चन डाटा पॉइंट्स को इस अपने गिवन जो आपने कंस्ट्रक्ट किया पॉलीनोमियल उसके साथ, तो नो प्रॉब्लम, फिर आप इसको डायरेक्ट p पुट कर लें, इट्स अप टू यू.
अच्छा जनाब, अब इसके साथ ही हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज अबाउट न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अगर फॉरवर्ड क्लियर मैम, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गया हमारी, मेरा सिलेबस बहुत स्लो जा रहा है। चलो ठीक है, बड़ी गलत बात है। चलिए मैं, मुझे ये थोड़ा पढ़ ले, अच्छा पढ़ ले, अच्छी बात है। मैम नेक्स्ट क्लास हो गई, हो रही, हो गई है हमारी या हो रही है आपकी? अच्छा जी, 1071 क्वेश्चन का रिप्लाई मुझे कोई दिया नहीं है, बस यही बात बताई है कि अगली क्लास हो रही है। एक मई क्लास में बच्चा होता है हमेशा, जो हमेशा घड़ी पे नजर रखता है, जैसे ही क्लास का टाइम पूरा हो वो सिर्फ वो बताता है। एक मिनट में अटेंडेंस आप ये अटेंडेंस शीट ले लो। चलें जी, यहाँ तक क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर हम बैकवर्ड पे करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। ठीक हो गया, चलें जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।